अब हम जा रहे हैं, आज गोलासन छुट्टी का दिन है। ये गोलू है, दोस्त है मेरा, पक्का दोस्त है ये बाकी कोई दोस्त नहीं है। और ये टपोरी है, ये टोपी को हटा दे, टोपी नहीं रखना, टोपी को हटा दिया। और ये है हमारे ड्राइवर सुरेश भाई नाम करके, और ये टैक्सी है, कोई ले जाना चाहता है तो आप ले जा सकते हो कभी भी किराए के अंदर। ये नंबर है इनके, और ये फ्रैंक वीडियो में ही ज़्यादा चलती है, टैक्सी बहुत लंबा चलती है, गैस वाली गाड़ी है। तो अभी हम चल रहे हैं, और ये क्या है, सोलर फेंस गार्ड पता नहीं मेरे को, तो चलो अभी बैठो, अब आ जाओ साथ में। और अब हम जा रहे हैं गोलासन की ओर, और 20 के रास्ते ही जाएंगे, गोलासन जाएंगे 20 के रास्ते। किसी को रास्ता पता है नहीं है पता नहीं मेरे को, आज आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। और अभी जा रहे हैं हम, ये सांचो राडेसा बस स्टैंड का नज़ारा है, रोड बड़ी गजब की है, एक फुट के सबसे खाटे हैं, एक फुट के खाटे हैं, ज़्यादा तो नहीं है। और क्या करे भाई, ओ रे इतना क्या हल्का आता है रे, खाटे में गाड़ी पड़े तो हल्का घना आवे रे। ओ चलते चलते सीधा करम, टैक्सी लाइन को चलू, टैक्सी को चलू। ये है मोसियों का वास, जूती गांठने वाले लोग, उसका एरिया। और यहाँ से बाईपास होकर के हम चले जाएंगे सीधे सीधे वहाँ। और ये हमारे जो सुरेश भाई है, ये हमारे पक्के अजीजी दोस्त हैं, और इनका टैक्सी लेके जाते हैं। हम गाड़ी में तो हमेशा जाते हैं, तो गाड़ी का शौक पूरा हो गया, तो आप टैक्सी का भी नज़ारा लीजिए कभी। और ये हमारा टपोरी है, इनको टैक्सी, गाड़ी तो पसंद है नहीं इसको, इसको गाड़ी पसंद नहीं है, इनको सिर्फ टैक्सी पसंद है। अब हमारे को शिफ्ट का और इनका रिक्शे का करेंगे आपस में आटा शाटा करेंगे, आटा शाटा कहते हैं वो करेंगे, शिफ्ट दे देंगे इनको, और अंतरिक्षा ले लेंगे सर। क्यों, रिक्शे के अंदर टायर 3 है, खर्चा कम, और स्ट्रिंग वाला साला गोल नहीं है, वो आधे में ऐसे ऐसे करते हैं गल जाता है। टैक्सी चलाओ मेरी यारो, टैक्सी ओए भाई क्या करता है रे यहाँ गड़िया में, ये छोकरी हवेली है बहुत है वास्तव में। एक आपने इस बात को ग्रहण किया होगा या नोट किया होगा, तो भाई जिस जहर के अंदर जो जैन बस्ती नहीं है, जो बढ़िए लोग नहीं है जिस एरिया के अंदर, वो शहर हो चाहे गांव हो, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, उनका रौनक नहीं होती है, शहर की रौनक होती नहीं है। जिस शहर में बढ़िए जैन माजन नहीं है, जिसके अंदर शहर नहीं बनता, ये तो पक्की पकावट हो गया, आप भले तसली करके देख लेना। और यहाँ तो बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं भाई, अपन तो सोच नहीं सकते, बना नहीं सकते, क्या करे भाई, गाड़ियाँ बड़ी है जूनी पुरानी सब। ओ कमर में बैंड निकल गया अरे जब मैं, अब यहाँ से निकलेंगे हवाई जहाज़ के मैदान की ओर। हवाई जहाज़ सांचौर में कभी देखी नहीं, मैदान कई सालों से, मैदान तो बन गया, आप हवाई जहाज़ कहाँ से लाएँ, हैं हवाई जहाज़ कटो लावा, मैदान तो बन गया मोटो घुना पड़े, करा कहूँ हवाई जहाज़ कटो लावा, सोच नहीं रहा लावनी है बलने, पर करा के इंजन तैयार नहीं हो, हवाई जहाज तो तैयार होगी, इंजन तैयार नहीं है। अभी सामने देखो कोई शादी का माहौल है, जैनों का बहुत गजब का डेकोरेशन होता है, ये जैन है, बड़ा मंदिर है जैनों का, और बहुत अच्छा मंदिर है। और ये हमारे सरदार जी खड़े हैं पगड़ी वाले, पता नहीं कौन सरदार जी है कि नहीं है, पगड़ी जरूर बांधी है इन लोगों ने, रिक्शा में अरे हाँ। अब एक बात है, ये रिक्शा है एक रिक्शा है, अब इसमें आने वाली गर्मी के अंदर हमें लगाएंगे वो क्या कहते हैं, एसी लगाएंगे, पक्का लगाएंगे 100%। फिर ये तो खुलना है यार, फिर तो बात तो वो ही रहेगी, गाड़ी में थी एसी तो नहीं, वो तो नहीं करना अपने को, इसमें साला सनिया डाल के सपरा बना देंगे बढ़िया, सनिया लाएंगे नए नए सनिया, दो सनिया इधर दो इधर, और अंदर बढ़िया कूलर लगा के, और सुबह आएंगे जब सो जाएंगे अंदर, ओ नींदा। अब पीछे देखो, कोई चीज़ पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे आगे देखो पीछे, ये पुराना पावर हाउस है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े जनरेटर पड़े हैं, आप देख नहीं सकते इतने बड़े बड़े, उसके इतने मैं देख के आया था, उसका क्या बताऊं,
एक उसका पिस्टन है, पिस्टन वो अंदर पिस्टन पावर वाला इतना बड़ा बाकी कितना, और अभी मोटरसाइकिल लेना आती है उसका इतना पिस्टन। अब चलो चुक 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 वो गाड़ी चलती है। अभी हमने लिया थोड़ा टाइम पास क्योंकि दूर बहुत चले गए, सांचौर से हम गए 100 किलोमीटर, ठीक है बहुत दूर चले गए, तो अभी कुछ थोड़ा ले लिया टाइम पास। इसका नाम है टाइम पास, सीधा 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 ये है टाइम पास। इसका है नाम क्या, नाम दीजिए नाम क्या है इसका, लॉलीपॉप। हाँ लॉलीपॉप, इसमें ऐसे है सूझने का। अयो मैं आया हूँ, ये है अनिल फोटो लेना, ये है नर्मदा का प्रोजेक्ट, यहाँ से लिफ्ट कैनाल है इसको कहते हैं, लिफ्ट होता है पानी इधर से डाउन में है और अप होता है वहाँ पे, अप होकर के आगे जाता है, ये है जो लास्ट वगैरह इधर। तो अभी यहाँ ढलान बहुत ज़्यादा है, ढलान इतनी है बहुत ढलान है, और रिक्शे के ब्रेक बहुत डाउन है, रिक्शे के ब्रेक डाउन है। तो अभी दीक्षित और दीक्षित तू बैठा रहे अंदर, और मैं इस ब्रेक को धीरे धीरे चलाता हूँ गाड़ी को। अब धीरे धीरे आने दे भाई गाड़ी को, गाड़ी को धीरे धीरे आने दे, धीरे धीरे आने दे, धीरे धीरे आने दे, वो वहाँ तक जाना 1 घंटा लगेगा यार। आने दे आने दे आने दे आने दे, मैं ब्रेक रखता हूँ, आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे तू आने दे साले को ब्रेक है, मैं ब्रेक रखता हूँ इसका, चलो आने दे आने दे आने दे आने दे, बिना ब्रेक ले जाएंगे आज। आपके तो हाथ ही टच नहीं है। अरे धक्का मार रहा हूँ यार, क्या मार रहा हूँ, खींच रहा हूँ भी, धक्का मार रहा हूँ, दोनों कर रहा हूँ मैं। नहीं ब्रेक तो है इसके, मैं तो ऐसे बाहर मिल रहा हूँ। तो चलो यार चलो, ब्रेक है ना, बोलना था ना ब्रेक नहीं है के। अरे यार मैंने कहा मैं इसका है तो वो भिड़ा के चला कर नीचे ले जाऊँगा। अब ये ढलान बहुत है इसकी, और ये नर्मदा का है, यहाँ से पानी आता है पीछे नर्मदा कैलान से, और यहाँ से लिफ्ट कहना वाला कहते हैं इसको, लिफ्ट होता है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं उसे लिफ्ट कहते हैं, अप लिफ्ट है, पानी है। और वो बहुत सीधा उधर निकलना अपने को, ये इधर लेफ्ट लेफ्ट, ये इधर को देखिए आप पानी का, ये है 7 दिन में एक बार आता है बारी के हिसाब से। ये सांचौर का नज़ारा है, नर्मदा ने बदल दिया नज़ारा, सीधी सड़क, और इस नहर के अंदर बकरियां देखो पानी पीने के लिए जा रही है और आ रही है, और हम जा रहे हैं रिक्शे के अंदर धमाधम चौकड़ी। ओए बकरी मर जाएगी, पड़ जाएगी पानी में, पानी मानती नहीं है, नहीं मानेगी ये, मैं पानी को। अरे पानी तो आ जाएगा, ये मरेगी जब तक, तो आ जाएगा कम से कम, मरने में 7 दिन तो लगेंगे ना। हाँ अनिल अब हम आए हैं गोड़ासन का, ये है ओरन, ओरन के दो गोसर के दो, ये सरेडा के दो, और ये हमारी गाड़ी विमान खड़ा है, इसके अंदर दोनों सिस्टम चालू है, पेट्रोल डीजल जो मर्जी हो ग्राहक को, कौन सा पसंद है आप, किस में चलना है, गैस में चलना है ये भाड़ा, केरोसिन में चलना है ये भाड़ा, केरोसिन नहीं अरे चला पेट्रोल, केरोसिन तो नहीं है तेरे पास में रख। और ये टपोरी और हम आए, और ये सुरेश भाई है, ये सुरेश भाई इसका क्या मामला है बताऊँ आपको, इधर थोड़ा नज़दीक आ जा, नज़दीक आ नज़दीक आ। सुरेश भाई तो मैं यार नाश्ते में कितने कैलोरी लेते हो, 3-4। अरे जब भी तो वो है ना क्या कहते हैं वो निरोज वाला, मज़े से चल रहा है ऐसे आते हैं 10 बस ऐस करता जाता घर, फिर वो 10 ग्राहक ऐसे मिल जाते हैं निरोज के, आ हा हा आनंद की घड़ी। और ये दीक्षित है, और कैमरामैन, ये कैमरामैन है हमारे साथ में अनिल, और आज आए थे हम घूमने के लिए, हमें बड़ा अच्छा लगा, मौसम देख लीजिए बड़ा नज़ारा है, शिफ्ट भेज दिए ले, और शिफ्ट हमने भेज दिया है भाई देख लीजिए, और ये माता जी दशा माँ, हो दशा मानो गर्भो दशा मारी, शिफ्ट भेज दिया गाड़ी ले लिया, इसमें लाइटें हैं रात को ये लाइटें जलती है। ओ एलएफजे दीक्षित अभी लाइटें होगी चालू, आप देखना इसका डेकोरेशन, वाह यार क्या, जैसे विमान उतर गया, चम 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 फ्लाइट पे चल रहे है कि नहीं। अरे दीक्षित कैसा मजा आया, ठीक है ठीक है, आया कि नहीं आया, आया आ हा हा बड़ा मजा आया। और भाई नंबर है ऐसे ही है, 5 नंबर लगता है, 4 नंबर है, वाह भाई वाह। ये विशेष तौर से जो ये गोसर क्यों रखते हैं लोग, इसमें जो जंगली जानवर होते हैं आराम से अपना बसेरा करते हैं बैठते हैं, और आजकल ख़त्म होने जा रही है ये गोसर, काफ़ी ज़्यादा है अपने इधर, तो ये गोड़ासन में है गोसर अभी तो ये, और ये हैं गायें जो आप देख सकते हो, और आजकल गायों में बहुत बीमारियाँ चल रही है, तो इनमें आजकल दवाइयों का वगैरह थोड़ा ध्यान रखो सब कुछ,
और हेल्प रखो तो अपनी अपनी गाय का पैसा। बाकी तो गौसर गौशाले में तो बहुत ज़्यादा गाय हैं और बहुत मरी भी हैं। ये गवर्नमेंट लगाती है, वन विभाग लगाता है, ये प्रदूषण है जो तो काफ़ी कम करता है, ये बहुत अच्छा है। और ये जाड़ के पेड़ जो आपने पिल्लू को भी खाए होंगे, वो जाड़ के पेड़। और अभी चलते हैं, यहाँ पर गोलासन का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर जो शक्तिशाली। ओ हम क्यों आते हैं यहाँ पर, मंदिर तो और भी थे पीछे छोटे छोटे, पर उन मंदिरों का डर नहीं था हमें, इनका डर है। ये तो धोखा ठोक देते साला, हनुमान जी तो है गुस्से में आ जाता कभी तो दो दुग। ये है आंकड़ा, और देखो आंकड़ा है, ये आंकड़ा क्या काम करता है, आजकल के लोग तो पता नहीं मेरे को मानते ही नहीं, मतलब पुराने लोग थे ना तो इसका ऐसा है ना, ये टहनी तोड़ के और घर के ऊपर ले जाके रखते तो बिजली पड़ेगी ना, वो साली डरेगी, अब इस आंकड़े के पत्ते से डरेगी, सारा इसको नष्ट कर देगी, पर वो अपने दिल में शांति। ओके अब चलो, ये कैमरा मैन आ गया, किराया लगेगा आज, कोई बात बैठ जा। छोड़ दिया यार अभी भाई होने दीक्षित, इन लार की छोड़ियो अब थोड़ी, हम हिंदी भी भाषा करते हैं, हिंदी ज़्यादा है ना, हिंदी से हमारी खुद की भाषा बढ़िया लगती है, तो लार क्यों छोड़िए रे, है बाड़ो तो नहीं बोल बाड़े बिना बाबू ला भाई कर है इधर को डींडा सुनिया हो। अब सीधा मंदिर दिखाएंगे आपको, गोलासन हनुमान जी का, और ये सांड देख सकते हो, ये पूरे सांड ही सांड है, यहाँ सांडा का गोसर है, आगे भी सांड खड़ा है। ये सांड कोई कंपनी का नहीं, ये लोकल सांड, ये वो भी वो सांडिया है, ये तो कोई लोकल ही है। नहीं नहीं है कंपनी, सांड में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया सांड है, पर इसमें देखो बावड़े पैर टूटे हुए हैं पता नहीं, ये जाले हैं बहुत बढ़िया है, जो इसमें ज़्यादातर क्या रहती है क्या, सब हम ज़्यादा तीतर रहे, तीतर तीतर है, लौकी हियाल जो भी इनमें कीड़े मकोड़े सब रहते हैं, हाँ रहने की मजे है भाई, अच्छी बात है। ये तो बेचारे थके प्यासे बैल है, बूढ़े हैं, अपना भी दिन आएगा एक दिन ऐसा। ये है ऊँट, और मेरा भाई ऊँट लंबी गाबड़ बड़ी लंबी बनाई, कंपनी बड़ी तगड़ी थी, और इनकी कंपनी बड़ी तगड़ी थी, गाबड़ को बनाते ही गया, सोचा ही नहीं कम करनी है। पहले के वीडियो में वो ऊँट दिया, वो वायरल दिया भाई, ऊँट दिया मेरे को भी, ऊँट दिया ऊँट। ये बेचारे छोटे छोटे बछड़े हैं, गौशाले में खोले हुए हैं, गौशाले की सेवा भी बहुत होती है, फिर भी ये परेशान है, पता नहीं क्या है। ये जंगली गो है, इनको जोगी लोग बहुत मारते हैं, इन गो को जोगी लोग बहुत मारते हैं, और इनके खाल की जूती बनाते हैं, और इनके जो पीछे के पैर होते हैं ना, उन पैर की वो हाथा जोड़ी करके वो बेचते हैं, कई लोग ऐसे हैं। पर जंगली जीवों को मत मारो मेरे भाई, अरे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ न कुछ बात करो, हमारे से करो, आप मत करो, बन गए तो सब्सक्राइब करो, और वो क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर दो, इसके 1000 सब्सक्राइब करवा दो एक बार। देखो मेरी भाई, लगता है क्या आपका सब सिस्टम यूट्यूब ने बनाया हुआ है, आपको सिर्फ काम कितना करना, फिंगर से टक 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 बस, कोई अपने घर को गोपीचंदी को लागे नहीं, हकीकत बात, एक बूंद गोपीचंद नहीं, बिना पैसे कसरत हो जाए, हाँ बिना पैसे कसरत फिंगर की। और अब हम आए हैं गोलासन के अंदर हनुमान जी के मंदिर में, ऊपर लिखा हुआ हनुमान जी मंदिर गोलासन सांचौर। दीक्षु जी, ये दीक्षित है, टैक्सी के अंदर जा रहा है, बाय बाय, धीरे धीरे अंदर रहना, बाहर मत अंदर। ये हैं, ये चौकीदार हैं, पता नहीं क्या चौकीदार बना हुआ, ये भाई साहब चौकीदार खड़े हैं, पर एक बात समझ में आ रही, हनुमान जी की क्या चौकीदारी करनी, वो भी बंदूक वाले नहीं नहीं, हनुमान जी की क्या चौकीदारी करनी, एक डूसा टेकते हैं ना, मोगर झंडा देगा हनुमान जी के पास धोखा। चलो बताते चलो, नहीं नहीं अंदर है देखना, और ये चौकीदारी करते हैं हनुमान जी की मेरे भाई, ये नहीं है, ये सिर्फ अंदर कोई कुत्ते पुत्ते आते हैं ना उनकी चौकीदारी करते हैं। ये बड़ला है, बड़ का पेड़ है, बरगद का पेड़, बहुत बड़ा पेड़ होता है ये, बहुत अच्छा, और बगीचा भी है बढ़िया, और आप देख सकते हो ये दुकानें भी लगी हुई हैं, बहुत मस्त दुकानें लगी हुई हैं। और हम आए हैं गोलासन के अंदर, और अभी जाएंगे वहाँ प्रसाद करेंगे, प्रसाद तो करेंगे नहीं, कहेंगे की हुई है खाएंगे ज़रूर, अपने देखो प्रसाद नहीं करते हैं, प्रसाद कोई करता है ना उसको लेकर के खाते हैं ज़रूर है, प्रसाद करने से क्या फ़ायदा। बाय बाय अनिल, उधर से ले लेते हैं प्रसादी, उधर से लेते हैं, हाँ भाई आवा आवा, जोगरी बात है,
अब यहाँ आते हैं, इनसे लेते हैं भाई प्रसादी। ये बच्चे के पास जाते हैं, ये हनुमान जी क्या मंदिर के आगे जो है ये प्रसादी लेके बैठे हैं, इनसे हम प्रसादी लेंगे और हनुमान जी को जाके प्रसादी चढ़ाएंगे। अभी अनिल अपने तीनों का मिलके साथ में ले लेते हैं, ठीक है, हनुमान जी मान जाएंगे साथ में आए, ठीक है, ओके। अभी करते हैं, क्या लेते हैं अपन, पछाता, पताशाक पछाता, इसका नाम क्या, पताशाक पछाता भैया, ये दे दे कम से कम मेरे को 25 रुपये की, 50 रुपये कर दे, 51 रुपये की सब मिला के कर दे। अब 51 रुपये की प्रसादी करते हैं, मेरा रिक्शा जाएगा बिना डीजल, सोचो हनुमान जी भली करेगा। हनुमान जी को गोटा चढ़ाते हैं, ये गोटा तो देखो हनुमान जी है, हनुमान बाबा है, वे ये प्रसादी अलग अलग है, अंदर जाएंगे साथ में हनुमान जी मानेंगे, दो आदमी तीन आए प्रसादी एक लाए, जाओ वापस ले गया, मारेंगे हनुमान जी डंडा वहाँ गे, 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 गेट के माते हनुमान जी के पोरे दार राखुड़ा सौ की माते डंडा लीड़ा, हम हनुमान जी को क्या पोरो करे। हाँ बस कुत्ता हारू वो ठीक बात है, हनुमान जी कौन सौ की करे, कोई गंडगड़ा आवे और आए हैं हनुमान जी के पास। जय हनुमान बाबा, ऐसे खोल दो मोजा घने आला किंदो रही को, जय हनुमान बाबा। अब हनुमान जी को प्रसादी करते हैं अपन, दीक्षित जय बाबा हनुमान, नज़दीक तो घनो तप है, आमने अलगो ही ठीक पटा वाला, जय ओह जय भगवान, एक एक और जैर भगवान, ओह गरम गरम हाथ बढ़ जियो, गर्म प्रसाद है लगा तुम, हाँ लगा लगा लगा, जय हनुमान जी बाबा, जोत पूरे दिन चलती रहती है हनुमान जी के भाई। सुरेश भाई हावड़ मनाई, ओ घना मसड़ाई जीमी के, घना मसड़ाई के जीमी बस के करे, हाँ तो माफ गई, ओ मंत्र ले थोड़ा सड़ाई घना सड़ाई जीमी के, हाँ तो घणो बस लाल हनुमान जी के करे हले, थोड़ो सड़ावा हनुमान जी कही हमको आज ने घो दिन उगनी जी, जय हनुमान बाबा। हाँ है हनुमान जी की जाली, इसमें डालते हैं बाजरी चुगा चूनी डालते हैं, चूने चून चून डालते हैं, और ये कोई गाड़ी लिया है नया इन लोगों ने, और अब हम आए हैं इसके अंदर, जय के बस। अब देखो इसका नज़ारा, मंदिर बहुत गजब का भव्य मंदिर बनाया है, और गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी आते हैं आपके पास में भी, और बहुत बढ़िया बनाया है भाई, एम ही बनाया सब, देख लेंगे एम ही बनाया सब, हनुमान जी जय हनुमान, सब हनुमान जी के फोटो हैं, बढ़िया बनाया है इन लोगों ने। अब आए हैं हनुमान जी की प्रसादी करने के लिए, जय हनुमान बाबा, देश बैठ बेटा प्रसाद नीचे बैठ, चढ़ा दे प्रसाद तुम्हें चढ़ा दे, बीम थोड़ी चढ़ा, जय हनुमान जी ने घनी प्रसादी के, थोड़ी चढ़ा दे बस, बाल जी को जिम्मे ही को कदी को जिम्मे, एक पता से को जिम्मे दगे पग दुखे गुरु जी, जय भगवान गुरु जी की नहीं जी, गुरु जी सिर्फ टेकी, अब हम साफ सफाई की भी नाम शाम अब वही ना शाम को करा टेकी को, कितना मस्त बना उड़ो ने, ये नहीं से कुंडी बना उड़ी, ये सुरेश सुरेश थाली में लिया चढ़ाया, सुरेश दो पता ले लिया मैं, जय हनुमान, हे हो गुरु जी झाड़ू निकाला है, सफाई करे है सफाई कर्मी, और बहुत बढ़िया है, अब कतरा पर देगा, जय हनुमान जी बजरंग बली जरा के मालिक, जय हनुमान है क्या अनिल उन लिया, और साहब वकील साहब भी बैठा है, और
अब गोला सन में भाई बैठो है आइसक्रीम वालो। अब आइसक्रीम लेते हैं भाई, आइसक्रीम खूट जिया शुरू कर दी पैकिंग कौन पैक वाली कंपनी वाली कौन कोई आइसक्रीम जी माँ आइसक्रीम दीक्षित आइसक्रीम बोलू हमने लिए आइसक्रीम गुल्फी ली है अब खाएंगे गुल्फी। मेरा तो फोटो आया अभी अभी। तेरा फोटो कहाँ आया है मेरी बात सुन। तू है उस मोर जैसा, मोर को घोंसला नहीं बनाना आता और तेरे को फोटो लेना नहीं आता। लिए ही भी, क्या करे अब ऐसा है और एक...